बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की है। प्रूव दैट जनरल लॉगरिथम यानी कैपिटल लॉग में लिखा हुआ है लॉग ऑफ, यहाँ पर न्यूमरेटर में ए माइनस बी प्लस आई ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस आई ए माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है आई टाइम्स ये 2n पाई प्लस 10 बस 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करना है, इतना प्रूव करना हमको। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है लॉग ऑफ a माइनस बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में है a प्लस बी और प्लस आई इंटू ए माइनस बी। सबसे पहले तो ये कैपिटल लॉग है यानी जनरल वैल्यू जो है उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करेंगे, उनके बीच में एक रिलेशन होता है हम लोग जानते हैं। अगर कैपिटल को इस्माल में लिखेंगे तो आपको मालूम है बाकी चीज़ें तो वैसे लिख दी जाएंगी, ए माइनस बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी अपान ए प्लस बी प्लस आई इंटू ए माइनस बी, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2n पाई आई। देखिए वो 2n पाई आई यहाँ पर भी मौजूद है, आई कॉमन लेंगे तो 2n पाई ये बचेगा, यानी इस टर्म को हम पहले लिख लेंगे। तो अगले स्टेप में यानी लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लॉग का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि लॉग ऑफ एन बाई एन का फार्मूला क्या होता है। जो न्यूमरेटर में है वो तो प्लस में आता है, जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ लॉग लग के माइनस आता है, इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये आ जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर यानी ए माइनस बी और प्लस आई इंटू ए प्लस बी, इसके बाद माइनस साइन लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर जो कि है ए प्लस बी प्लस आई इंटू ए माइनस बी। अब ये वाला टर्म जो पहले से लिखा हुआ है यानी प्लस का 2n पाई आई, इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यानी लॉग ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू जो होती है वो 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर, और प्लस i यानी फिर इसका, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें दो पार्ट होंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट होता है tan इनवर्स i, tan इनवर्स y अपन x यानी इमेजिनरी अपन इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। तो ये फार्मूला होता है, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों जगह पर जो कि राइट हैंड साइड में है। तो ये वैल्यू जो आएगी इसकी उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले जो रियल पार्ट है यानी 1/2 लॉग ऑफ, अब यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख रहे हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस i का कोएफिशिएंट a प्लस बी और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद जो है हमें लिखना होगा प्लस i इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और अपान में रियल पार्ट, तो ब्रैकेट ये हो जाएगा क्लोज। माइनस फिर अगेन इसमें लिखना होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर प्लस आई इंटू ये टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी ए माइनस बी अपान में होगा रियल पार्ट ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2n पाई आई, ये लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, अब देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो होगा वो माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ये प्लस का है, और ये टर्म तो आपको मालूम है कि बीच में बिटवीन साइन प्लस है तो इनको तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे, ये बस साइन ये इसका साइन प्लस है और इससे पहले लगा हुआ है माइनस, तो ये तो टर्म हो जाएंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देखेंगे कि ये दोनों टर्म बचेंगे और एक अलग से ये वाला टर्म है बैक, और ये टर्म हो जाएगा माइनस का क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले है माइनस का साइन, तो इस टर्म को नोट करने के बाद माइनस का ये टर्म और ये,
और हमें ये प्रूव करना है, उसमें ये टर्म पहले दिख रहा है तो हम इस वाले टर्म को सबसे पहले लिख देंगे। अगले पेज पर हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो तो चल ही रहा है, हम राइट हैंड साइड को ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगले पेज पर इस पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले है 2n πi, हमने इसको लिख लिया है, प्लस फिर i, और इसमें था जो टेन इनवर्स वाला पोर्शन बचा हुआ है, पहले प्लस है, टेन इनवर्स a+b/a-b। अब ये सेकेंड वाला टर्म माइनस का हो गया, i इंटू टेन इनवर्स a+a-b/a+b। तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर इतनी हो चुकी है, और इन तीनों में से आई कॉमन ले लेंगे पहले, तो हम क्योंकि हमें प्रूव करना उसमें भी आई यहाँ पर बाहर है, तो बचेगा आई बाहर लेने पर 2n π, और प्लस का टेन इनवर्स a+b/a-b, और माइनस टेन इनवर्स a-b/a+b। अब इन दोनों में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, फार्मूला है ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी, यानी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1+x(y)। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इधर चला हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि काफ़ी बड़ा सा है इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। आई ब्रेकेट है यहाँ पर 2n π, और प्लस इस फार्मूले के लिखेंगे तो देखेंगे एक ही बार में टेन इनवर्स लिखना होगा, लेकिन न्यूमरेटर में इन दोनों को माइनस करना होगा, यानी a+b/a-b, और इसमें से माइनस करना होगा इसको, यानी a-b/a+b। फिर उसके बाद अपान में 1+a+b/a-b इंटू ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी a-b/a+b, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये वैल्यू कैंसिल होके ओनली 1 times कैंसिल हुआ है, 1 आ जाएगा। तो आई 2n π/10 इनवर्स, ये न्यूमरेटर में हम यहाँ पर इन दोनों टर्म में एलसीएम ले सकते हैं, और ये दोनों जो टर्म हैं वो अलग अलग हैं, a-b a+b, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे में इसको जब डिवाइड करेंगे a-b से, तो a-b कैंसिल, a+b जो कि पहले से भी a+b उसमें मल्टीप्लाई होकर होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी a-b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1+1 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आई 2n π+ ये 1 1 2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स ये बाद में तो 2 हो गया, इधर जो न्यूमरेटर में इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होती है a² + b² + 2ab, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू होती है a² + b² - 2ab, और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, दूसरे माइनस हो रहा है, तो a² हो जाएगा और b² हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो i इंटू 2n π+ ब्रैकेट ओपन करने पर देखेंगे जो स्क्वायर वाले हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का, 2 times ये है, 2 times ये 4 times हो जाएंगे, यानी 10 inverse 4 times ab/a ये a² - b² / 2 पहुँचेगा इस 2 के साथ में, a² - b² को ब्रैकेट में कर दिया, और ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 times जो बचेगा हम उसको लिख देंगे। तो i टाइम्स 2n π + 10 inverse 2ab/a²-b², तो हमको यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसका वैल्यू थी कैपिटल लॉग ऑफ a-b + i (a+b) और अपान a+b + i (a-b), ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको प्रूव करना था, इसके एक को लेने राइट हैंड साइड में मिल चुका है, i इंटू 2n π + 10 inverse 2ab/a²-b²,
इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम प्रूव हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।